करीब 8 महीनों से बंद 2000 के नोट को लेकर आरबीआई ने बड़ा अपडेट दिया है। आरबीआई के मुताबिक अब 100% नोटों की अभी तक वापसी नहीं हो पाई है, मतलब कि कई लोग अभी भी 2000 के नोट को दबा कर बैठे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स, आपके साथ मैं हूं अंकिता। नए साल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने खुलासे से सबको हैरान कर दिया है। आरबीआई ने कहा कि अभी भी 2000 के गुलाबी नोटों की 100% वापसी नहीं हुई है और इसका मतलब है कि आज भी कई लोगों के पास 2000 के नोट मौजूद हैं। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक देश में लोग 9,330 करोड़ रुपए मूल्य के गुलाबी नोट दबाकर बैठे हुए हैं। 8 महीने पहले सर्कुलेशन से बाहर हो चुके 2000 रुपए के नोटों की 97.38% बैंकिंग सिस्टम में वापसी हो चुकी है। 19 मई 2022 को केंद्रीय बैंक ने 2000 का नोट वापस लेने का ऐलान किया था। आरबीआई ने जब नोट वापस लेने का ऐलान किया था उस समय 3.56 लाख करोड़ रुपए के नोट चलन में थे, लेकिन 29 दिसंबर 2023 तक 9330 करोड़ रुपए के नोट अब भी जनता के पास ही मौजूद हैं। वहीं आरबीआई ने यह भी स्पष्ट तौर पर कहा कि 2000 के नोट अभी भी वैध बने हुए हैं। ऐसे में नोटों को आरबीआई के देश भर में मौजूद क्षेत्रीय कार्यालयों में जाकर बदला जा सकता है और जमा भी किया जा सकता है। आरबीआई ने बताया कि 19 मई 2023 को मार्केट में कुल 3.56 लाख करोड़ की मूल्य के 2000 रुपए के नोट सर्कुलेशन में मौजूद थे, जबकि 29 दिसंबर 2023 को ये आंकड़ा घटकर सिर्फ 9,330 रह गया है। ऐसे में दिसंबर के आखिर तक भी 2.62% गुलाबी नोट सर्कुलेशन में थे। आरबीआई ने कहा कि इन नोटों को आरबीआई के देश भर में मौजूद 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में जाकर बदला या जमा किया जा सकता है। इसके अलावा लोग किसी भी डाकघर से आरबीआई के किसी भी कार्यालय में इंडिया पोस्ट के माध्यम से 2000 रुपए के नोट अपने बैंक खातों में जमा करने के लिए भेज सकते हैं। रिजर्व बैंक ने 19 मई 2023 को क्लीन नोट पॉलिसी के तहत देश के सर्कुलेशन में मौजूद सबसे ज्यादा मूल्य के इस 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का ऐलान किया था। इससे पहले आरबीआई ने इन नोटों को 30 सितंबर तक बदलने या बैंक खातों में जमा करने के लिए कहा था और इसकी समय सीमा बाद में 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई थी। नवंबर 2016 में देश में 2000 के गुलाबी नोटों का चलन शुरू हुआ था। दरअसल सरकार ने चलन में मौजूद 500 और 1000 के नोटों को बंद करने की घोषणा की थी। तब देश में 2000 के नोट चलन में आए थे। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।